तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हूँ और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की अफराद को निकालने के लिए आज आखिरी दिन है। ज़ाहरी बात है सबसे ज़्यादा गैर मुल्की जो है वो पाकिस्तान में अफगान शहरी है। तोरखम की इस इलाके में आपको आप देख सकते हैं कि पीछे ट्रक भी नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी नज़र आ रही है। जो अफगान फैमिलीज़ है वो पिशावर और सूबे के दीगर इलाकों से बल्कि पूरे पाकिस्तान से सामान लाद कर इन्हीं ट्रकों में यहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ पे वही सामान जो है वो बॉर्डर के लिए खसूसी तौर पर जो ट्रक है जिनको एक पास भी दिया गया है उसमें लाद कर ये सामान बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करता है और उस साइड पे जो अफगानिस्तान की जो कस्टम और इमिग्रेशन सिस्टम है वहाँ से होकर ये ट्रक जो है वहाँ पे ये सामान खाली की जाती है अफगानिस्तान की गाड़ी के लिए। ये चूंकि ये गाड़ियाँ जो है ये पाकिस्तान की है तो ये बॉर्डर के जो अफगान बॉर्डर के जो इमिग्रेशन वाला सेक्शन है वहाँ तक जा सकती है और फिर वहाँ से ये वापस आती है। मेरा पैदाइश भी पाकिस्तान में है, ठीक है। अभी कुछ कार्ड घर में मौजूद है, किसी के पास कार्ड नहीं थे, इस वजह से हम जा रहे हैं। फिलहाल अल्लाह ही वारस से काम तो इधर ठीक था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिहाड़ी मजदूरी करता था, इधर ठीक ठाक निज़ाम चल रहा था। अभी उधर जाएंगे, देखेंगे उन क्या होता है। जाहिर बात है यार, पाकिस्तान से दिल से प्यार है। मेरा पैदाइश भी इधर गया, ठीक है, इसलिए दिल तो नहीं करता जाने के लिए, लेकिन क्या करें, फिर मजबूरी है, इस वजह न मजबूरी न जाना पड़ता है। याद करेंगे, पेशावर को भी याद करेंगे, पाकिस्तान को भी याद करेंगे, दिल से याद करेंगे। मैं ज़्यादा रावलपिंडी में रहा हूँ, पैदाइश मेरा जीकेएम का है। लोग अच्छे दिल से प्यार करते हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, इसलिए दिल से प्यार है। यहाँ पे चमन बॉर्डर पे जो अक्टूबर के शुरू में जो रश देखने को मिल रहा था वो अभी बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से, ख़ासकर पाकिस्तान के शहर कराची से ज़्यादातर की जो तादाद है अफगान माजरीन की वो आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे बसों में आ रहे हैं चमन शहर तक और चमन शहर से फिर छोटे छोटे रक्शों में और दूसरे गाड़ियां किराया करके यहां पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो सामान है, घर के जो सामान से लदी हुई है वो यहां पे जमा होते हैं और यहां से फिर मेरे पीछे अफगानिस्तान यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है और यहां से फिर एक साथ ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं। यहाँ पर जब हुकाम से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अक्टूबर के शुरू में जो रश को देखने को मिल रहा था वो अभी आज अक्टूबर 31 है तो ये रश दूसरे दिनों की बनस्बत ये पिछले हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 400 से 600 लोग जो थे वो वापस अपने वतन जा रहे थे अफगान माजरीन, मगर जो आखिरी जो हफ्ता है यानी अगर हम देखें तो अक्टूबर के 25 से ये जो तादाद है वो हुकाम के मुताबिक अभी रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन 1800 तक पहुंच चुकी है। 40 बंदे इस गाड़ी में और 37 बंदे उस गाड़ी में, हम पूरा नाजमाबाद और आजी कैंप वाले बड़े बड़े गोदाम, जो चीज़ 1 लाख का फरिश्ता यकीन करेगा 40,000 कोई उधार ले रहा था, कोई क्या, जो सस्ता सामान था वो तो फ्री फ्री में लोगों को दिया, ले जा पंखा है, ले जा बैटरी है, ये तो पुराना है 2000 में दे दो। जो 40 साल का घर था वो एक हफ्ते में तमाम लोगों ने कर दिया, ये पूरा सारी फैमिली एक नहीं है। और अभी उधर जाएंगे, सर्दी भी है, कम से कम 40 साल तुमने मेहमान नवाजी किया, 4 महीने पहले बोल देता, 4 महीने के बाद जिसको पकड़ूंगा जेल में डालूंगा, 1 महीने में 40 साल अगर कैसा हो जाएगा।